राजिम कुंभ कल्प की तैयारी बैठक को लेकर आज धर्मस्व पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल राजिम पहुंचे थे, जहां उन्होंने अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि विधानसभा सत्र की पहली बैठक में ही राजिम कुंभ कल्प करने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार राजिम कुंभ को राम उत्सव के रूप में भव्य तरीके से मनाया जाएगा। इस वर्ष राजिम मेला 24 फरवरी से 8 मार्च तक होगा। मंत्री श्री अग्रवाल ने गरियाबंद रायपुर धमतरी जिलों के अधिकारियों को समन्वय कर 7 दिन के भीतर सभी विभागों द्वारा किए जाने वाले तैयारी कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा यहाँ विश्व स्तरीय साधु संतों बागेश्वर धाम बाबा पंडित धीरेन्द्र मिश्रा एवं पंडित प्रदीप मिश्रा भी आएंगे। उन्होंने कहा कि अयोध्या में प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा बहुत ही भव्य तरीके से किया गया है। छत्तीसगढ़ श्री राम जी का ननिहाल है, यहाँ पर भी राजिम कुंभ कल्प का भव्य आयोजन किया जाएगा। बता दें कि पिछले कांग्रेस सरकार ने राजिम कुंभ का नाम बदलकर राजिम माघी पुन्नी मेला कर दिया था, लेकिन एक बार फिर छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन गई है, जिसके बाद राजिम कुंभ मेला के स्वरूप को और विस्तार देते हुए राजिम कुंभ कल्प करने विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने की बात की है। इस वर्ष राजिम मेला 24 फरवरी से 8 मार्च तक होगा। प्रारंभिक तैयारी बैठक में आज संत समाज स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ तीनों जिले गरियाबंद धमतरी और रायपुर के अधिकारी मौजूद रहे। देखिए अब प्रभु राम लला आ गए हैं तो साधु संत भी बड़ी संख्या में आएंगे। ये प्रभु राम का ननिहाल है, माता कौशल्या की जन्मभूमि है, प्रभु राम का वनगमन मार्ग है, राम जी यहाँ के भांजे हैं, और इसलिए जब अयोध्या में रामलला के मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो अब छत्तीसगढ़ का ये राजिम कुंभ कल्प भी भव्य होगा, दिव्य होगा, और साधु संत महात्मा शंकराचार्य जी महामंडलेश्वर सब आएंगे। और क्योंकि समय कम बचा है, हर बार 3 महीने की तैयारी में होता है, इस बार 1 महीने की तैयारी में हम कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि उसके बाद भी यहाँ पर अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो सके। अब आपको धीरे धीरे जानकारी मिलती जाएगी कि कौन कौन से रास्ते से अब राजिम कुंभ कल्प फिर से कुंभ मेले के रूप में इसकी पहचान होगी। हम विधानसभा का जो पहला सत्र होगा उस सत्र में इसका बिल ले